नैनी एडीए मानस नगर के पास चल रहा सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, दो लड़के और दो लड़कियां गिरफ्तार। प्रयागराज की नैनी पुलिस और क्षेत्र अधिकारी की टीम ने नैनी क्षेत्र के एडीए कॉलोनी मानस नगर पीएससी कॉलोनी के गेट के पास एक किराए के घर में अरसे से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मौके से दो लड़के और दो लड़कियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पूरे रैकेट को एक एजेंट के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार लड़कियां जहां बिहार की बताई जा रही हैं, वहीं गिरफ्तार लड़के झारखंड के रहने वाले हैं। दोनों में से कोई बिहार का तो नहीं है, कंफर्म है। दोनों में से कोई बिहार का नहीं है। क्यों? आईडी प्रूफ भी वहीं पे देख लीजिए। आपका भी जमा है? पुलिस अधिकारियों को अंदेशा है कि पकड़े गए रैकेट में देश भर से ऑन डिमांड लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने घटनास्थल से ऐशो आराम की बहुत सी वस्तुएं बरामद की हैं, हुक्का और हुक्का के फ्लेवर और बहुत सी वस्तुएं जब्त की हैं। सेक्स रैकेट के पकड़े जाने के बाद जहां क्षेत्र में कानाफूसी का दौर जारी है, वहीं पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इसमें मुखबिर द्वारा सूचना आ रही थी 2-3 दिन से कि मानस नगर कॉलोनी यहाँ पे नैनी थाने क्षेत्र में कि सेक्स रैकेट का संचालन किसी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अन्य प्रदेश से लड़कियाँ आती हैं और ये सब सेक्स रैकेट में लिप्त हैं। इस सूचना में मेरे द्वारा जो प्राइवेट में टीम लगाई गई थी और जिसमें महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर नैनी थाने से और गोपनीय तरीके से इसमें सारे होमवर्क करने के बाद से कल मेरे नेतृत्व में जो है थाना अध्यक्ष नैनी और SI वहाँ के चौकी इंचार्ज एग्रीकल्चर और महिला कांस्टेबल के साथ कल पूरी सूचना संकलित करने के बाद से हम लोगों द्वारा जो है घेराबंदी करके छापा मारा गया। तो मानस नगर कॉलोनी में जो है एक मकान में जो है उस सेक्स रैकेट संचालन करने में और उसमें लिप्त जो है दो लड़कियाँ पकड़ी गई और मौके से जो है मकान मालिक लड़का और एक और एक्यूज है जो मेन सलमान जो संचालित करता था, मतलब कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक जो है फैजल जो है वहाँ से मौके से जो है फरार हो गया, जिसके संबंध में जो है अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लड़के और लड़कियों से पूछताछ कर पूरे रैकेट के तह तक जाने की कोशिशों में लगी हुई है। सर्किल ऑफिसर कहते हैं कि यह भी पता लगाने की कोशिश जारी है कि शहर के व्यस्तम मोहल्ले में सेक्स रैकेट का धंधा कैसे फल फूल रहा था और इसको संचालित करने में किन किन लोगों के हाथ हैं। पुलिस मकान मालिक के लड़के की भूमिका को संदिग्ध मान रही है। वहीं मोहल्ले के लोग भी सेक्स रैकेट के पकड़े जाने से बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।